नशा तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को काबू किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम बरामद की है। बरामद की गई अफीम की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस के डीएसपी ने बताया कि जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि गांव गोरखपुर में एक व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में अफीम है, जिसे वो इलाके में सप्लाई करने वाला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गांव से ही दबोच लिया है और उसके कब्जे से 1 किलो 10 ग्राम अफीम बरामद की। नशे के खिलाफ हमारे एसपी साहब द्वारा जो अभियान चलाया गया है, उसके अंतर्गत हमारे स्पेशल स्टाफ के एएसआई हरपाल सिंह, उनके द्वारा कल नाकाबंदी के दौरान गोरखपुर का सोनू है, उससे करीब 1 किलो 10 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है और उस ओरिजिन की ट्रेस के लिए उसका रिमांड लिया जाएगा। कहाँ से पकड़ा जा रही है? ये गोरखपुर के एरिया से ही पकड़ा गया। तो किस पे कहा तस्करी किस पे कर रहा था जी? ये बाइक पे सवार होकर आया था और उसे 1 किलो 10 ग्राम अफीम थी जो इस बागड़ एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। कहाँ से लाया? उसे ओरिजिन से ट्रेस करेंगे, उसका पता लगाया जा रहा है अभी कहाँ से लिया था। तो कहाँ लेके जा रहा था सर? ये इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ डिमांड होती है उसको वहाँ सप्लाई कर देते हैं। तो क्या पहले भी कोई मामला है इसमें? नहीं, पहले नहीं है, बाकी उसका प्रीवियस रिकॉर्ड पुलिस चेक कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी से ये पूछने का प्रयास कर रही है कि वो ये अफीम कहाँ से लाया था। फतेहाबाद से राजेश भांबू की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।